थैंक्स यार ब्रह्मा, तू सही वक्त पर नहीं आता ना तो पीटर के फ्रस्ट्रेशन में मेरा ग्लैमर खराब हो जाता। तू तो फंसता नहीं है, मुझे ही फंसा देता है। 100 यूरो देने पर उस पुलिस वाले ने छोड़ा था, अब अगर लड़कियों के मैटर पर ब्रेक नहीं लगाया ना तो हम दोनों की बॉडी पर ब्रह्मा ब्रेक लगा। से 10 गुना कम, अब तुम्हारी आंखें देखी तो 20 गुना कम, सॉरी पहले तुम्हारी नाक नहीं देखी थी, आई थिंक 30 गुना कम, फाइनली लिप्स देखकर कह रहा तुम्हारे और बरसात के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? ठंड को कम करने वाला कोई भी काम चलेगा। व्हाट आई मीन कॉफी, सॉरी मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ कॉफी पीना पसंद नहीं है। Strangers, मुझे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। समझ गई, इंडिया में तो तुम्हारे जैसे पागल को ले जाने के लिए 1404 डायल करते हैं, यूरोप में क्या करते हैं? शायद तुम मुझे नहीं जानती। I'm Arjun. Some call me a rock star, some call me a millionaire, and some people... खैर वो छोड़ो, पास में मेरा एक अपार्टमेंट है, कुछ देर हम दोनों। एक्सक्यूज मी मिस्टर सो कॉल्ड रॉक स्टार, तुम जैसे कई फ्लर्ट्स को देखा है। आई हेट पीपल लाइक यू। तुम जितनी भी पिकअप लाइंस यूज करो वेस्ट है। गुड बाय। सेक्सी एंड स्टबर्न, आई लाइक द कॉम्बिनेशन। तुझे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ये तो यूरोप की ब्रेकिंग न्यूज़ है। This. एक रेयर प्रजाति के बर्ड को मैंने अभी अभी क्लिक किया है। गुड जॉब सुबलक्ष्मी, मुझे वो पिक्स अभी मेल करो। हमारी मैगजीन का कवर पेज वही होगा। आई एम सो एक्साइटेड सर, थैंक यू सो मच। रुक जाओ ब्रह्मा, इसे मैं हैंडल करता हूं। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूं। उसने मेरी गर्लफ्रेंड का बात चुराया, मैं ठीक करूंगा। फिर भी
कब से तेरे लिए जान लेने या देने का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज लेट मी डू दिस। गाओ। ठीक है ब्रह्मा, इस बार तू चला जा। तेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं क्यों मरूं? तू ही मर। अभी तो कहा था जान देगा। वो चाकू निकालने से पहले कहा था। यू कैन डू, इट्स इजी फॉर यू। अब पकड़ो। ये काफी नहीं है। प्लीज नो। ये भी काफी नहीं है। नो। मिस हो गया। सुनिए, एक और कैमरा है क्या? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? हे, इट्स ओके, दूसरा कैमरा ले लेंगे। किसे चाहिए दूसरा कैमरा? मैगजीन कवर के लिए 2 महीने मेहनत करके एक रेयर बर्ड की फोटो ली थी। इट वॉज माई ड्रीम। ऑफिस को मेल करने से पहले ही सब कुछ स्पॉइल कर दिया। एक्चुअली हम बस हेल्प करने के लिए। मैंने कहा था हेल्प करने के लिए। दोबारा नजर आए ना तो हेल्प के लिए बहुत। सुनो, एक बर्ड की फोटो के लिए मार दोगी? हमने बहुत बर्ड्स देखे हैं जंगल में। सच कहूं तो लड़कियों की खूबसूरती बरसात में भीगने से नहीं आती, किसी को चाटा लगाए तो ज्यादा खूबसूरत लगती है। थैंक्स। इस लड़की ने मुझे मारा, इस बात का ढिंढोरा मत पीटना। हाँ बोलो। सुब लक्ष्मी दिखी अभी? कहाँ? हाय सुब लक्ष्मी, एक पंछी के लिए इतना गुस्सा करोगी, गलत है ना? डोंट इरिटेट मी। अपना नंबर दो, फिर इरिटेट नहीं करूंगा। जरा अपना फोन दो। पूरे 221 गर्ल्स के नंबर्स हैं। अपना भी सेव कर दो, 222 हो जाएंगे। व्हाट अ ग्रेट नंबर। थ्रो इट। व्हाट? सुबलक्ष्मी, भाई 1 लाख का फोन था वो। यहां प्रॉब्लम पैसों की नहीं है। 1 साल मेहनत करके वो कॉन्टैक्ट्स जमा किए थे। जा फोन उठा ले। मेंटल है पूरा। देखा, फोन भी फेंक दिया। लाने के लिए तुम्हारा चमचा तैयार है ना? पता है ऐसी सिचुएशन में सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है? कि तुम जैसे फ्रॉड का भरोसा ना करें। ठीक है, एक काम करते हैं। तुम 2 मिनट मेरी आंखों में देखती रहो, तब तक अगर समझ नहीं पाई कि मेरे दिल में क्या है तो कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। किस लिए? तुम ऐसा नहीं करते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि तुम कितने बड़े चीटर हो। तुम्हारी आंखों में मैग्नेट हो सकता है, लेकिन मैं आयन नहीं हूं। गुड बाय। इट शुड हिट देम लाइक अ साइक्लोन। वहां तो पंखे की हवा का भी इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट वहां नहीं, यहां हुआ। समझ भी नहीं आया। जब वो मेरी आंखों में देख रही थी तब वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसके बिना मैं क्या कर रहा हूं, यही सोच रहा था मैं। आई थिंक शी इज मेड फॉर मी, और मे बी आई एम मेड फॉर हर, और मे बी बोथ। एक्चुअली अब तक ऐसी मैजिकल फीलिंग किसी लड़की के साथ नहीं आई थी। अब समझ में आया क्यों। आई थिंक शी इज माई सोलमेट, डैम इट। तो हमेशा कहता है ना, एक अच्छी लड़की को देखकर शादी करके सेटल हो जा। मैं तैयार हूं।
शी इज द वन। तो अब करना क्या चाहता है भाई? यहाँ क्यों लेकर आया भाई? उस लड़की के लिए तपस्या करने का इरादा तो नहीं है? ये आंटी कहाँ चली गई? आंटी एक साथ चार पांच जानवर चिल्ला रहे हैं। कौन है ये? इट इज अमेजिंग, इट इज मैडनेस। अगर म्यूजिक इंसान होता ना तो आंटी जैसा दिखता। आपने वो गाने के बीच में जो हरकत ली थी ना, जो गाने को टर्न कर दिया था। टर्न किया था। माइंड ब्लोइंग आंटी। बहुत थैंक्स। वैसे तुम भी म्यूजिशियन हो? आपके जितना नहीं, मैं बस स्मॉल टाइम म्यूजिशियन हूँ। हमेशा से मैं वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन क्रिएट करना चाहता था, और अचानक थैंक गॉड लकीली आप मिल गई। तू इमीडिएटली एक कॉन्सर्ट प्लान कर दे। कॉन्सर्ट? इतने लोगों के सामने गाना गाना मुझे थोड़ा डर लगता है। सुनने वालों को डरना चाहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या कह रहे हैं ये? आपको इमीडिएटली ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड टूर पर भेजना चाहता है। वर्ल्ड टूर? मैं तो रेडी हूँ। आंटी रेडी है? बाय द वे, आज से आपका नाम नहीं है। तो क्या है? आज से आपका नाम है डिंचाक रोजा। आई लाइक इट। परफेक्ट। वैसे नाम तो सेट हो गया है, अब ट्रेनिंग के लिए भी अगर कोई अच्छी जगह सेट हो जाती। मेरा घर है ना बेटा। जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो प्रेस के सामने जैसे गन्स और हैंड वेपन्स रखे जाते हैं ना, वैसे ही रखा है इन्होंने। ए भाई, किसे ढूंढ रहा है? अच्छा तो ये है तेरा प्लान। स्मार्ट बॉय। ए तुम सीधे घर में घुस गए? फौरन बाहर निकलो, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी। बाहर तो किसी क्यूट पपी जैसे बात करती हो, घर में अल्सेशन बन गई हो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं लेकर आई हूँ बेटा, वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को मिलाकर ये फू फू क्या कहा था तुमने? फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन करने के लिए। फ्यूजन करने नहीं, तुम्हें फूल करने आए हैं मासी। डोंट कॉल मी मासी, कॉल मी डिंचाक रोजा। वैसे मुझे फूल बना के इसे क्या मिलेगा? हाँ, इसकी जरूरत है क्या? वो तो पहले से ही है। क्या कहा इसने? कह रहा चाय पसंद आ गई। थैंक यू। भूल गई, ये है मेरे पति, बैंक में जॉब करते हैं। हेलो सर। सुनिए जी, शेक हैंड कीजिए। आई एम सॉरी बट अंकल को कुछ उन्हें थोड़ा कम सुनाई देता है। किस्मत वाले हैं। थैंक यू जी। बेटा हम प्रैक्टिस कब से शुरू कर सकते हैं? ये तो गुरुजी बताएंगे। अबे तू है, सिखाने के लिए मुझे क्या आता है? सीखने के लिए इन्हें क्या आता है? क्या कहा इन्होंने? ये कह रहा है कि मुहूर्त बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग अभी के अभी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, मैं तंबूरा लेके अभी आती हूँ। सुनिए, चलिए मेरे साथ। ऐसे कहकर गई है जैसे मारने के लिए चाकू लेकर आने वाली है। तू काम पे लग जा। तुम्हारा भरोसा करने के लिए मैं मासी नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है मुझे अच्छी तरह पता है। गुड लक। अबे सरपंच हो गया तो मारेंगे। ए बावले, देख के चलना। अंधेरे में कुछ दिखेगा तब मैं चलूंगा, वैसे भी पीतल का लोटा है, टूटेगा नहीं। ये गिरा तो टूटेगा नहीं, हमारी हड्डी टूटेगी। ए ए यार, नीचे देख, सरपंच की गाड़ी पंचर है यार। तो अब क्या तू घर जाकर सामान लकड़े से ठीक करेगा? हाँ, गुड आइडिया, मैं अभी आता हूँ। पागल। लड़की किसी लाल टेन की तरह चमक रही है, रात की चांदनी लग रही है ये। लड़कियों का भरोसा नहीं है यार, चेहरे पर फेस पैक लगाकर सो रही होगी। वो पैक नहीं, तू क्रैक है, मेरी आंखों से देखा। रुक जा, देखकर बताता हूँ।
सही है यार, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तू तो बहुत किस्मत वाला है। मैंने कहा था। लगता है मेरी किस्मत बुरी है। क्या हुआ? सर फंस गया यार। ये क्या कर लिया तूने? इसके अंदर कैसे फंस गया? मुझे भी नहीं पता, कुछ कर। अच्छा निकालता हूँ। निकाल। यही मार्ग थे। लोगों ने सच कहा है, दूसरे के मामले में टांग नहीं घुसेड़ना चाहिए। मैंने तो सर घुसेड़ दिया है यार, अब क्या होगा यार? इतने सारे लोग कहां से आ गए? आज तो मेरा पूरा पंचर हो गया। क्यों बे कालिए, भगवान जैसे सरपंच के घर पर चोरी करने आया था क्या? मैं नहीं तो क्या, मैं आया था। रात में दोनों साथ में आए थे। हाँ यार, हम दोनों साथ में घूम कर ही बड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या मैं तुझे माफ कर दूंगा? ए, तू काटना, हो सके तो गर्दन भी काट ले। क्या ये तो अन्याय है। एक शब्द और कहा ना तो चप्पल से मारूंगा। सुबह को पंचर बनाता है और रात को घर में चोरियां करता है, ये तो पूरा पलटी खा गया। मंदिर के दान पेटी में हाथ डालना और सरपंच के घर चोरी करना एक समान होता है। इसीलिए तूने उनका कॉलर पकड़ा है ना? उन्होंने ये बात सालों पहले भुला दी है। वैसे भी वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। हमारे भी जो कुछ भी हो, तुझे उससे क्या बे? ऐसा क्या? दोबारा यहाँ चोरी करने आएगा? बहन आप हंसिए मत, आप हंस रही इसलिए मुझे ये ज्यादा मार रहा है। अब पैर पकड़ सरपंच जी के। उसकी जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। हाँ, इनके पैर छूने की भी औकात नहीं है तेरी, चल जा। और तू भी। दोनों साथ में चलेंगे। सरपंच साहब, आपकी कार का पंचर हो गया है। मेरी दुकान सुबह 10 बजे खुल जाती है, आप आना, मैं फ्री में बना दूंगा, क्योंकि तेरे रिश्तेदार बनने वाले हैं इसलिए। जाने को कहा ना, शर्म नहीं आती, जहां पंचर बनाता फिरता है। इतनी एक्टिंग करने के बाद भी उस बुड्ढे ने भाव ही नहीं दिया। अबे तूने एक्टिंग थोड़ी ना की, ओवर एक्टिंग की है। लेकिन वो सब छोड़ यार, रात से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, चल एक प्लेट इडली डोसा खा लेते हैं। मेरे जीवन साथी जटा धरा, तू ही बोले शंकरा, वेद विहारा हरा, विश्वेश्वरा, सीधे घर में घुस गया। तुम्हारी स्पीड के लिए ये ब्रेकलेस कार ही सही है। अर्जुन, मेरी एक मदद करोगे? बस एक? मुझे सिंगल डिजिट्स पसंद नहीं, 100 मांगो कर लूंगा। अर्जेंटली एक पेट डॉक्टर को लेकर आना है। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? आंटी की नहीं, पपी की। पपी की, उसे क्या हुआ? पता नहीं, बहुत वीक लग रहा है, अर्जेंटली एक डॉक्टर को लेकर। 2 मिनट में डॉक्टर आ जाएगा। बाय। यहाँ शांति से इडली भी नहीं खा सकता, क्या जिंदगी है। मुझे अर्जेंटली कीज दे। कीज क्यों चाहिए? आंटी की ट्रेनिंग किए बिना कहाँ जा रहा है तू? तो ढिंचक रोजा गाने गाकर मार देगी मुझे। अगर मैं यहीं रह गया तो गाने सुनकर मरने वाला मैं पहला इंसान होऊंगा। कीज दे मुझे। अरे नहीं यार, एक काम है। प्लीज प्लीज दे। हे भगवान, अरे जल्दी दे, जल्दी। अरे नहीं, अरे गुरुजी, गाना बजा रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं?